प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। द क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, एक्सप्रेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। बी ऑप्शन इज, एक्सप्रेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इन द सी ऑप्शन इज, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। एंड द लास्ट ऑप्शन इज, इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन एटमोस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन इज नोन एज। ऑप्शन ए इज टोटल लंग कैपेसिटी, ऑप्शन बी इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ऑप्शन सी इज वाइटल कैपेसिटी एंड द लास्ट ऑप्शन इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सो द करेक्ट आंसर इज वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml एंड 1000 ml respectively. What will be the his expiratory capacity if the residual volume is 1200 ml? Option A is 1500 ml, option B is 1700 ml and the C option is 2200 ml and the D option is 2700 ml. So the correct answer is 1500 ml. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द लंग कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फाइसिमा रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन ए, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रैंकियल्स डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। ऑप्शन बी इज इंक्रीज्ड नंबर ऑफ ब्रैंकियल्स इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। ऑप्शन सी इज डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रैंकियल्स। ऑप्शन डी इज इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। कॉलम फर्स्ट है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, इनके हमें मैचिंग करनी है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑप्शन इज एंथ्रेसिस, ऑप्शन बी सिल्कोसिस, ऑप्शन सी इज एम्फाइसिमा एंड द लास्ट ऑप्शन इज बॉटुलिज्म। सो द करेक्ट आंसर इज सिल्कोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक। द एल्वोलाई दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन बिकॉज ऑफ। ऑप्शन ए इज रेजिडुअल वॉल्यूम, ऑप्शन बी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड द सी ऑप्शन इज टाइडल वॉल्यूम एंड द लास्ट ऑप्शन इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज रेजिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वोलाई ऑफ द लंग्स इज इक्वल टू दैट इन ब्लड, मोर देन दैट इन ब्लड, सी ऑप्शन इज लेस देन दैट इन ब्लड and the last option is less than that of carbon dioxide. So the correct answer is more than that in blood. Next question is, lungs do not collapse between breath and some air always remains in the lungs which can never be expelled because. Option A, there is a negative pressure in the lungs. B, there is a negative intrapleural pressure pulling at the lung wall. C option is there is a positive intrapleural pressure and the last option is pressure in the lungs is higher than the atmospheric pressure. So the correct answer is B. Next question is, name the chronic respiratory disorder
caused by mainly by cigarette smoking. Option A, respiratory alkalosis. Option B is emphysema. Option C is asthma. And the last option is respiratory acidosis. So the correct answer is emphysema. Question is reduction in pH of blood pill. Option is release bicarbonate ions by the liver. Reduce the rate of heartbeat. C option is reduce the blood supply to the brain. And the last option is decrease the affinity of hemoglobin with oxygen. So the correct answer is D. Next question. Asthma may be attributed to accumulation of fluid in the lungs, bacterial infection of the lungs, allergic reactions of mast cells in lungs, inflammation of the trachea. So the correct answer is C. Question is, when you hold your breath, which of the following gas changes in blood would first lead to the urge to breathe? Option A, rising CO2 and falling O2 concentration. Falling CO2 concentration. C option is rising CO2 concentration. Last option is falling CO2 concentration. So the correct answer is C, that is rising CO2 concentration. Approximately 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs. Option A is H bicarbonate ions. B is in the form of dissolved gas molecules. Y binding to RBC. H carbaminohemoglobin. So the correct answer is H bicarbonate ions. Next question is, which of the following is the correct statements for respiration in humans? Option A is about 90% carbon dioxide is carried by hemoglobin as carbaminohemoglobin. B है, cigarette smoking may lead to inflammation of bronchi. C option is neural signals from pneumatic center in pons region of the brain can increase the duration of inspiration. And the last option is workers in grinding and stone breaking industries may suffer from lung fibrosis. So the correct answer is D. Question is, people who have migrated from the plains to an area adjoining Rohtang Pass, Manali, about in months back. Option is have the usual RBC count, but their hemoglobin has very high binding affinity to O2. Have more RBC and their hemoglobin has a lower binding affinity for O2. C option is are not physically fit to play games like football. D option is suffer from altitude sickness with symptoms like nausea, fatigue, etc. And the correct option is B. Question is, bulk of carbon dioxide released from the body tissues into the blood is present as 70% carbaminohemoglobin and 30% as bicarbonate. B option is carbaminohemoglobin in RBC. C option is bicarbonates in blood plasma and RBC. And the last option is free CO2 in blood plasma. So the correct answer is C. Question is, which of the following is a possibility for most of us in regard to breathing while making a conscious effort? Option A, one can consciously breathe in and breathe out by moving diaphragm muscles alone without moving ribs at all. Option B is the lungs can be made fully empty by forcefully breathing out all air from them. And the C option is one can breathe out air totally without oxygen. Option C is one can breathe out air through Eustachian tube by closing both nose and mouth. So the correct answer is A. Question is, which two of the following changes A to D usually tend to occur in the plain dwellers when they move to high altitudes?
3500 मीटर और मोर। ऑप्शन ए इज इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स साइज। ऑप्शन बी इज इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। सी स्टेटमेंट है इंक्रीज ब्रीथिंग रेट। ऑप्शन डी है इंक्रीज इन थर्मोसाइट काउंट। सो द करेक्ट आंसर इज बी एंड सी, इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट।